लगातार 20 वर्षों से आपकी सेवा में श्री बीकानेर मिष्ठान भंडार गौर मूर्ति तीन बत्ती सागर मध्य प्रदेश। हमारे यहाँ रसमलाई, स्पंज रसगुल्ला, राजभोग, नमकीन, मैदा आइटम, ढोकला, बंगाली मिठाई, शुद्ध घी से बनी मिठाई, बीकानेर का स्पेशल नमकीन एवं प्याज कचौड़ी, केसर दूध उपलब्ध है। हमारा पता है गौर मूर्ति तीन बत्ती सागर मध्य प्रदेश। हमारी शाखाएं सिटी सेंटर कॉम्प्लेक्स राधा तिराहा सागर, पंपा साहू कॉम्प्लेक्स 5 सिविल लाइन सागर, प्रोपाइडर गुमान सिंह राजपुरोहित 99 81 04 40। मध्य प्रदेश में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण के वायरस पर रोक लग सके इसके मद्देनजर प्रत्येक रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन में रखने का निर्देश सरकार के द्वारा जारी किया गया था, जिसे अब अनलॉक 4 की गाइडलाइन जारी होने के बाद ही पूरी तरह से हटा दिया गया है। अब रविवार को भी सामान्य दिनों की तरह बाजार खुले रहेंगे। इस संबंध में गृह मंत्रालय से मिले निर्देशों के बाद सागर जिला प्रशासन ने भी इस रविवार से यह आदेश लागू कर दिया, जहाँ रविवार का लॉकडाउन समाप्त होने के बाद लंबे समय से शहर में रविवार को पसरा रहने वाला सन्नाटा समाप्त दिखाई दिया और बाजार में भी चहल पहल देखी गई। बिना किसी रोक टोक लोगों की आवाजाही जारी रही। हालांकि मौजूदा हालत में अभी भी कोरोना संक्रमण का खतरा बरकरार है, ऐसे में प्रशासन ने आम लोगों से सावधानी बरतने की अपील भी जारी की और घर से बाहर निकलते समय मास्क का इस्तेमाल करने के साथ साथ भीड़ भाड़ से दूरी बनाकर अपने आप को वायरस के खतरे से सुरक्षित रखा जा सके इसके लिए प्रयास किए। कोरोना के साए के बीच सामान्य जनजीवन पटरी पर लौट सके इसके लिए धीरे धीरे लॉकडाउन के दौरान लगी बंदिशों को समाप्त किया जा रहा है। इसी कड़ी में साप्ताहिक लॉकडाउन भी हटा दिया गया है। बहरहाल कोरोना संक्रमण की रोकथाम की कवायद से जुटे प्रशासन के लिए फैसला कितना राहत देने वाला साबित होगा यह तो समय ही बताएगा। ऐसे में अब जरा सी लापरवाही भारी पड़ सकती है, इसलिए मानव जीवन सुरक्षित रहे इसके लिए अपने स्तर पर सतर्कता और सावधानी बनाए रखने की जरूरत है, जिससे संक्रमण की चेन नहीं बढ़ पाए और संक्रमण का खतरा भी दूर हो जाए।